महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। राज ठाकरे के बाद अब सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने उन्हें कड़ी चुनौती दी है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का इन दोनों ने ऐलान कर दिया है और फिर उद्धव ठाकरे की परेशानी इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इन्हें घर में कैद कर लिया गया है और मुंबई पुलिस इन दोनों के घर के बाहर पहरा दे रही है। इन्हें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है और शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा के घर के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि बांद्रा में उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही राणा दंपत्ति को घर में कैद कर लिया गया। विधायक रवि राणा ने कहा कि पुलिस हमें घर से बाहर कदम नहीं रखने दे रही है, शिवसेना के कार्यकर्ता हमारे आवास पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने मातोश्री को मंदिर के तौर पर माना था, उद्धव ठाकरे केवल राजनीतिक लाभ चाहते हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है, मेरा सवाल है कि शिवसेना के लोग बैरिकेड्स तोड़कर गेट के अंदर कैसे आ गए, मैं नीचे जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी करूंगी, हमें कोई नहीं रोक सकता, मुख्यमंत्री लोगों को सिर्फ जेल भेज सकते हैं। रवि राणा का कहना है कि उन्होंने मांग की थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हनुमान जयंती पर महाराष्ट्र को संकट से मुक्त करने और राज्य की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन शिवसेना प्रमुख ने इसे इनकार कर दिया था। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे अब हनुमान चालीसा के मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ राज ठाकरे ने 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में महाआरती का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ नवनीत राणा और रवि राणा ने उनके घर के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात की है। इसके कारण शिवसेना के कार्यकर्ता भी थोड़े कन्फ्यूज हैं। एक तरफ तो उन्हें अपनी पार्टी बचानी है तो दूसरे तरफ धर्म का मामला होने के कारण उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सेकुलर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण शिवसेना का आधार कमजोर होता जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं भी करने दिया गया और शिवसेना के कार्यकर्ता राणा दंपत्ति को कुछ समय के लिए इसे टालने पर मजबूर भी कर देते हैं तो नवनीत राणा इसे मुद्दा बनाती रहेंगी, जिससे शिवसेना की परेशानी बढ़ने वाली है और उद्धव ठाकरे जितना ज़्यादा इस मामले को खींचेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।